नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहां पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहां पर सबसे पहले आते हैं आपके फिंगर की लेंथ के विषय में। तो फिंगर की लेंथ आपके पाम के कंपेरिजन में थोड़ी सी शॉर्ट है, जो एक क्विक डिसीजन मेकिंग स्किल को ज़्यादा इंडिकेट करता है। बेसिकली जब फिंगर की लेंथ शॉर्ट होती है तो आप जैसे लोगों में एनर्जी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, तो इस कारण से फुर्तीलापन अच्छा रहेगा। और कोई भी डिसीजन लेने के पहले अगर थोड़ा इत्मीनान से सोच विचार लें तो अत्यधिक मामलों में आपको सफलता या लाभ ही देखने को यहाँ मिलेगा। अब जैसे यहाँ बात करें आपके लिटिल फिंगर की लेंथ पर, तो लिटिल फिंगर की लेंथ शॉर्ट है और एक इंडिपेंडेंट यहाँ पर एकदम अलग है। तो आप जैसे लोग अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं, मतलब जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू रखा है उस पर अड़िग रहेंगे, अपने बात पर अड़िग रहेंगे और जो ठान लिया सो वो चीज़ करके भी दिखाएंगे। तो ज़्यादा किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, वहीं अपने अंडर में दूसरों को रख करके अच्छे से काम निकलवा लेने में आप सक्षम रहेंगे। अब जैसे लिटिल फिंगर की लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट भी है, जो एक प्रकार से यहाँ पर आपके जो है कम्युनिकेशन स्किल में एरर को भी इंडिकेट करता है। जैसे मन में कई मरतबा बात दबी रह जाती है, अपोजिट जेंडर या स्ट्रेंजर से बातचीत करते समय थोड़ी हिचकिचाहट घबराहट। अदरवाइज थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में देखें तो फर्स्ट फिंगर की लेंथ आपकी ज़्यादा अच्छी है, जो कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में कभी भी किसी भी प्रकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप पीछे नहीं हटेंगे, और ये गुड लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटी, किसी भी समूह का अच्छा नेतृत्व कर पाना, लोगों के द्वारा अच्छे तरीके से काम निकलवा पाना, ऐसे योग सारे बनते हैं। और जैसे फिंगर में कुछ गैप्स भी मेंटेन हो तो ये थोड़े अधिक खर्चीलेपन को भी यहाँ पर बताता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा भी मौजूद है, जो एक प्रकार से मित्रतापूर्वक स्वभाव को यहाँ व्यक्त करती है, परंतु यहाँ की आड़ी रेखा एक प्रकार से रिलेशंस में अनबन, मतभेद एवं थोड़ी दूरी को भी व्यक्त करता है। ओवरऑल देखा जाए तो कुछ बातें कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा टीज कर जाती है या पिंच लोगों की कहीं ना कहीं कर जाती है, या वो कहीं ना कहीं दिलो दिमाग में रह जाती है, तो उस कारण से यहाँ की आड़ी रेखा बनती है, जो थोड़ा डिस्टेंस भी इंडिकेट करता है मित्र सगे संबंधियों के द्वारा। बट ऐसा कोई ज़्यादा प्रोमिनेंट योगाज नहीं है, क्योंकि सेपरेटेड सीधी लाइन भी है, तो इस कारण समय और परिस्थिति के अनुसार जो है एक प्रकार से रिलेशंस मेंटेन भी हो। बाद में देखा जाए यहाँ पे तो आपके फैलेंजेस डेवलप ठीक हैं, अंदरूनी मंगल भी डेवलप्ड अच्छा है, तो इस कारण से स्टेमिना और एनर्जी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है, उसमें कोई ऐसी बेसिक कमी नहीं है। और थंब का साइज़ भी हम देखेंगे तो थंब का साइज़ अप्रोक्सीमेटली थोड़ा यहाँ शॉर्ट देखने को मिल रहा है। जब थंब का साइज शॉर्ट होता है तो ये टू द पॉइंट बात करने वाली पर्सनैलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना एवं सुनना विचारना आप ज़्यादा यहाँ पसंद करेंगे। और फर्स्ट फेलेंज के कंपैरिजन में सेकंड फेलेंज की लेंथ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा लॉन्ग है, बहुत माइनर सी है ये, लेकिन थोड़ी ज़्यादा लॉन्ग होने के कारण ये लॉजिकल पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है, कि लॉजिक लगा के आप कहीं ना कहीं अत्यधिक काम करते हैं। अब यहाँ पर आपकी यव का चिन्ह भी डेवलप है, जब यव का चिन्ह डेवलप्ड होता है और थोड़ा सा ओपन हो तो इस कारण से जीवन में धन आता अच्छा जरूर है, लेकिन रुक नहीं पाता है, जैसे फिंगर में भी गैप देखने को मिला था। अदरवाइज यहाँ देखें तो ये सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन पावर, कोई भी चीज़ सीखने समझने की क्षमता यानी ग्रेसिपिंग स्किल, इंटेलिजेंसी, इन सारी चीज़ों के लिए अच्छा माना जाता है। तो आपको यहाँ मेडिटेशन करना, पूजा पाठ, योगा करना ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि ये जो बुद्धा आइज है ये अपना पॉजिटिव रिएक्ट आपको दे सके। अदरवाइज यहाँ थंब जो है पीछे को थोड़ा बैंड भी हो रहा है, तो फ्लेक्सिबल नेचर भी देखने को मिलता है, तो समय परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने वाले रहेंगे और फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली डिसीजंस में चेंजेस भी ईजिली अडॉप्ट कर लेने वाले भी आप रहेंगे। बाकी बात करें पाम के साइज़ के विषय में, तो पाम का साइज़ यहाँ पर एक प्रकार से स्क्वेरिश फॉर्मेशन में क्रिएट हो रहा है, लंबाई में थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ देखें बारीकी से, जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो बैठे बिठाए अधिक कार्य करने की क्षमता होती है, यानी ज़्यादा भागोदौड़ी वाला काम या फील्ड वर्क पसंद नहीं आता है। अब जैसे यहाँ देखेंगे, अब तो इंस्पिरेशन मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप्ड है, थिंकिंग जोन भी डेवलप्ड है, बट एक्शन जोन वीक हो गया, इट मीन्स सोचते ज़्यादा हैं, कर थोड़ा कम पाते हैं। अब यहाँ एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो गुरु के क्षेत्र से यहाँ प्रारंभ करें, तो गुरु का क्षेत्र यहाँ देखेंगे आप तो यहाँ डेवलप्ड आपका ठीक है, यहाँ कोई ऐसी ज़्यादा नेगेटिविटी नहीं है, और यहाँ आपकी प्रोग्रेस लाइन भी अच्छी खासी निकल के पहुँच रही है। ये प्रोग्रेस लाइन एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण आपकी इच्छा मनोकामना लाइफ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और उन ड्रीम डिज़ायर को कम्प्लीट करने के लिए एफर्ट्स यानी मेहनत भी आप बहुत ज़्यादा करेंगे, इसीलिए जुनून, हौसला, पराक्रम ये भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जब ये रेखा उत्पन्न होती है उसके बाद से जीवन में धीरे धीरे करके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या रॉयल्टी बढ़ते जाती है। और ये जो उम्र है यहाँ हम निकालेंगे तो ये एज अप्रोक्सीमेटली आपका निकलेगा 25 to 27 के मिड में, इसके आसपास से ही लाइफ में बहुत बेहतरीन ग्रोथ आपको मिलना स्टार्ट हुआ है, और उसके बाद भी आगे जा करके अप्रोक्सीमेटली 29, 30 और फिर उसका 36, 37, 39
और फिर उसके बाद फिर हल्की हल्की सी रेखाएं भी निकल रही है 42-43 अराउंड एजेस में, तो ये सारे एजेस में ग्रोथ अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ की जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल कनेक्शंस अच्छी देगी, आगे चल करके सोशल वर्क करना, एनजीओस के लिए काम करना और एक प्रकार से पूजा पाठ या स्पिरिचुअल ज़्यादा एक्टिव होना, वैसे योग यहाँ पर ज़्यादा बनते हैं। हालांकि ये रेखा दयालुपन को सबसे ज़्यादा व्यक्त करती है, दयावान आप ज़्यादा रहेंगे जिसके कारण किसी का दुख दर्द नहीं देख पाना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, वैसे योग यहाँ पर ज़्यादा अच्छे बनते हैं। वहीं जो सैटर्न आपका जो माउंट है कुल मिलाकर के डेवलप्ड यहाँ ठीक है। और जो फेट लाइन की हम बात करें तो फेट लाइन आपके मून के एरिया से निकल रही है, ये रहा मून का एरिया, और यहाँ से ये फेट लाइन निकल के माइंड लाइन से मर्ज होते हुए फिर आगे की ओर गई हुई है। जब मून के एरिया से फेड लाइन का कनेक्शन होता है तो फॉरेन कनेक्शन 100% देखने को मिलता है, फॉरेन से अर्निंग के चांसेस बनते हैं, फॉरेन कंपनीज़ में जाने के चांसेस बनते हैं या जन्म स्थान से दूर जा करके सेटल्ड होने के चांसेस बनते हैं। इसी तरह जीवन में जो भाग्य उन्नति है वो शादी के बाद देखने को मिलेगा जब कोई अनदर पर्सन लाइफ में एंटर करता है, क्योंकि मून लक लाइन बाहरी दुनिया बाहरी लोगों के सहयोग को और भाग्य को बताता है। इसीलिए घर बार से दूर जाकर भाग्य उन्नति हो रहा है, जीवन में कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है तो उन्नति हो रहा है, और मदर का ये कारक है इसलिए मदर से भी प्यार या एक प्रकार से सहयोग कहें तो बहुत अच्छा लगाव भी देखने को मिलता है। अब ये जो लाइन है ये सपोर्टिव फेट लाइन होती है जिसके कारण दूसरों के सहयोग के कारण व्यक्ति बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला होता है, और ये सीधे यहाँ पर आपके सेटन तक पहुँचा भी है तो लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपकी एक प्रकार से गर्डल ऑफ वीनस का साइन बन रहा है, ये यहाँ एक आड़ी रेखा देखने को मिलेगी एक यहाँ पर। जब इस प्रकार का साइन बनता है तो मूड स्विंग का प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है, और ये लाइफ लाइन के साथ साथ यहाँ देखेंगे मेजरली आपके फेट लाइन के ऊपर इस रेखा ने काटा हुआ है। लाइफ लाइन को कुछ यहाँ प्रॉब्लम ऐसी नहीं है लेकिन फेट लाइन को इसने काटा हुआ है, तो इस कारण से ये थोड़ा सा आपके लक पर भी अफेक्ट करता है, कर सकता है, जो आपका मूड स्विंग का प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको थोड़ा सा निजात आपको जल्द पाना रहेगा ताकि कुछ ऐसी मेजर प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि जब इस प्रकार की दिक्कत आती है तो चिंता ज़्यादा बढ़ती है और सेटिस्फेक्शन भी फिर प्रॉपरली मिल नहीं पाता है किसी भी चीज़ के लिए, ऐसा कोई सेपरेटेड नहीं है। अदरवाइज़ यहाँ देखें आपके सूर्य के क्षेत्र पर तो यहाँ देख पाएंगे कि एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हो रखा है। एक स्क्वायर का साइन जब होता है तो ये पिता के कंडीशंस में सुधार लाता है, आपके बर्थ के बाद आपके फादर के कंडीशन में सुधार अच्छा हुआ होगा और वहीं बर्थ प्लेस से दूर आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी। स्क्वायर का साइन प्रोटेक्टिव पर्सनैलिटी को बताता है कि आपका नाम जो है इज्जत प्रतिष्ठा मान सम्मान के साथ मार्केट में लिया जाएगा। और यहाँ पर यशस्वी योग का निर्माण भी है, जो बुध और सूर्य के मिड में जब इस प्रकार की आकृति बनती है तो इस कारण से ये यशस्वी योग यानी सक्सेस, नेम, फेम, रिस्पेक्ट और मनी इन सबको इंडिकेट करता है। तो सूर्य है बेसिकली पावर और अथॉरिटी, तो आपके लाइफ में पावर, अथॉरिटी, हाई पोस्ट या फिर कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम, जिम्मेदारी वाला काम आपको आपकी लाइफ में इन प्रोफेशनल और करियर लाइफ में भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए जीवन में अच्छा हार्डवर्क करके आपको ग्रोथ यहाँ देखने को मिलेगा। बाकी ऐसी कोई नेगेटिव यहाँ साइन नहीं है, ये बस ज़रूर है कि जो मिडिल है उसमें थोड़ा सा माउंट दब रहा है तो ये आई साइट से रिलेटेड थोड़ी दिक्कत देता है, बट कोई यहाँ मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और आगे चलकर रेखा डिवाइडेड भी हो रही है तो ये मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग को भी जनरेट करने वाला रहेगा। बात करें सेपरेटली यहाँ पर आपके मरकरी माउंट की, तो मरकरी माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है और यहाँ पर आड़ी रेखा कुछ जो आप देख पा रहे हैं ये थोड़ा सा बोली में थोड़ा कड़वाहट को भी व्यक्त करता है कि कभी कभी आप थोड़ा सा जो है कड़वा बोल जाते हैं सामने वाले व्यक्ति के लिए। अब यहाँ देखेंगे तो एक प्रकार से यूनियन लाइन भी आपकी एक से ज़्यादा, तो लाइफ में अप्रोक्सीमेटली 3 बार आपका एटलीस्ट अटैचमेंट, अफेयर या रिलेशन में आने के चांसेस बनेंगे। इसके अलावा यहाँ देखें तो हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति भी है, जो गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर को भी यहाँ व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ हृदय रेखा में देखें तो इस तरफ जो आड़ी रेखा या नीचे की ओर रेखा जाती है ये माता पिता के अच्छे सेवक होने के योगों को भी बताता है, और हृदय रेखा में देखिए आपके बैलेंस नहीं चल रहा है क्योंकि यहाँ पर नीचे की ओर रेखा बहुत ज़्यादा आ रही है, फिर उसके बाद ये लाइन स्ट्रेट गई है और यहाँ पर आपके सैटर्न पे आकर के मेनली ये बायफोर्क भी हुई है। सैटर्न पर जब हृदय रेखा रुकती है तो ये प्रैक्टिकल मेंटेलिटी को इंडिकेट करता है, ज़्यादा इमोशंस, फीलिंग्स या इस प्रकार के इश्यूज़ वगैरह रहते नहीं है, प्रैक्टिकलिटी और बैलेंसिंग नेचर देखने को मिलता है। जो सपोर्टिव आपकी हार्ट लाइन गुरु से कनेक्टेड हो रही है ये थोड़ा इमोशंस, फीलिंग्स को ज़्यादा बढ़ा देती है। ओवरऑल देखें तो ये जो नीचे की ओर रेखा आई है ये थोड़ा आपको स्ट्रेस देने वाली रहेगी, तो अप्रोक्सीमेटली 42 अराउंड एज के बाद से। बात करें सेपरेटली यहाँ पर आपके माइंड लाइन की, बाकी हार्ट लाइन में कुछ ऐसा मेजर इशू नहीं है जो हेल्थ के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम दे आपको,
और माइंड लाइन पर देखेंगे तो माइंड लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अंदरूनी मंगल से यहाँ देखने को मिल रहा है। जब इस प्रकार के फॉर्मेशन होते हैं तो बेसिकली आप कहीं ना कहीं दूसरों के बातों में जल्दी आने वाले भी रहेंगे, और थोड़ा सा जैसे एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन ये भी देखने को मिलता है। प्लानिंग ज़्यादा करेंगे और वो प्लानिंग है वो ऑन पेपर ज़्यादा रहता है, एक्शन में थोड़ा कम आता है। बट यहाँ जो माइंड लाइन है वो कंपेरेटिवली आपकी आगे की ओर अच्छा बढ़ी है, और यहाँ पर बायफोर्क भी हुआ है। बायफोर्क होना माइंड लाइन में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि जब बायफोर्क का फॉर्मेशन होता है तो ऐसा व्यक्ति ठोकर खा खा के अपने जीवन में और ज़्यादा सुधरता है, या और ज़्यादा सीखने की लागत यहाँ देखने को मिलती है, ललक बेसिकली देखने को मिलता है। तो माइंड लाइन कंपेरेटिवली आपका नॉर्मल है, और जो बायफोर्क हुआ है ये इंटेलिजेंसी को इंक्रीज़ कर देगा। मेमोरी शार्प रहने वाली रहेगी तो पुराने से पुराने बातों को आप याद रख पाएंगे, और स्ट्रेट माइंड लाइन है तो कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम क्रैक करने के चांसेस भी यहाँ पर बहुत अच्छे बनते हैं। स्ट्रेट माइंड लाइन वालों में सबसे अच्छी खास बात यही होती है कि चाहे लाइफ में किसी भी प्रकार का ट्रबल या प्रॉब्लम आ जाए, ज़्यादा आप अफेक्ट नहीं होंगे, उन सारी चीज़ों को बहुत ही नॉर्मली डील करेंगे, और अपने मेंटेलिटी के अकॉर्डिंगली या समय के अकॉर्डिंगली उन सारे इश्यूज़ को जो है उन सारे इश्यूज़ पर बेसिकली कवर अप भी कर पाएंगे। अब यहाँ माइंड लाइन में जब डबल लाइन चलता है या आइलैंड का ये फॉर्मेशन बनता है तो थोड़ा स्ट्रेस उस एज में रहता है। जैसे स्टार्टिंग में ये बना हुआ है 20 से 21 के मिड में, फिर उसके बाद यहाँ पर ये बना हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 25 to 28 के मिड में, तो ये जो टाइम पीरियड था ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपके लाइफ में रहा है। और यहाँ देखेंगे आप तो मंगल से हार्ट लाइन की कनेक्टिविटी भी हुई है, तो ये मांगलिक होने के योगों को और एक प्रकार से एग्रेशन को भी ज़्यादा इंडिकेट करता है। ओवरऑल देखा जाए आपके माइंड लाइन में कुछ ऐसा मुझे प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, एक बहुत अच्छा ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ आपके माइंड लाइन के अकॉर्डिंगली हुआ है। माइंड लाइन, फेट लाइन, मर्करी लाइन, तो बिजनेस जाना या इंडिपेंडेंटली वर्क करने से लाभ आपको अच्छा जीवन में मिलने वाला रहेगा। इसके अलावा लाइफ लाइन के फ्लो पर आएँ तो लाइफ लाइन का फ्लो भी आपका कंटिन्यूस चल रहा है, यहाँ पर कोई ऐसा मेजर प्रॉब्लम नहीं है, और जो ग्रोथ है वो अप्रोक्सीमेटली 25 अराउंड एज के बाद से बहुत अच्छा दिख रहा है। और आगे चल करके एक सपोर्टिव लाइन भी आई है, ये सपोर्टिव लाइन थोड़ा लेटर एज में आ रही है, ये अराउंड आपको यहाँ 34 to 35 के एज से स्टार्ट हो रहा है, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लाइफ में आपको अच्छा सपोर्ट दूसरों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और ज़्यादा अच्छा सपोर्ट मिलेगा, या किसी पर्टिकुलर एक पर्सन का भी मिलना शुरू होगा, जिसके कारण स्ट्रेसेस कम होंगे और लाइफ में ग्रोथ या एम्बिशन, ड्रीम, डिज़ायर कंप्लीट होने के चांसेस भी बढ़ते हैं। अब जब यहाँ लाइफ लाइन थोड़ी फेडेड होकर चलती है तो थोड़ा जल्दी थकने के योग भी बनते हैं, क्योंकि ये एक प्रकार से हेल्थ को भी अफेक्ट करता है, तो थोड़ा आपको अपने खान पान, दिनचर्या और एक प्रकार से एक्सरसाइज, योगा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी कुछ मेजर प्रॉब्लम यहाँ शो नहीं हो रहा है, कुछ एक दो हल्की सी रेखा यहाँ काटी हुई है, लेकिन वो ज़्यादा प्रॉब्लम आपको देगी नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रोमिनेंट यहाँ रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा, और जब ये रेखा काट भी रही है तब भी सपोर्टिव लाइन चल रही है, तो कुछ मेजर प्रॉब्लम यहाँ आने वाला नहीं रहता। बट ये बात ज़रूर है कि आपका फॉरेन से कनेक्शन तो है, क्योंकि यहाँ पर आपके लाइफ लाइन से भी एक रेखा सीधे निकल के चंद्र की ओर जा रहा है, तो इस कारण से यात्राएं जीवन में बहुत होती रहती हैं, छोटी मोटी यात्राओं से लेकर के बड़ी बड़ी यात्राओं का सौभाग्य जीवन में अच्छा देखने को मिलता है। और वहीं यहाँ देखें आपके मंगल के क्षेत्र पर, तो मंगल का क्षेत्र विकसित आपका ठीक है, और यहाँ बाहरी मंगल भी विकसित अच्छा है, तो शारीरिक गठन, बल, ऊर्जा या मानसिक बल दोनों ठीक रहेगा, फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट दोनों रहने के योग अच्छे हैं। एग्रेशन रहेगा आपका लेकिन कंट्रोल रहेगा, क्योंकि बाहरी मंगल डेवलप्ड वेल है, तो इस कारण से ज़्यादा दिक्कत फिर एग्रेशन को लेकर के नहीं होता है। और सेपरेटली शुक्र की बात करें तो शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड आपका अच्छा है, जब शुक्र अच्छा होता है तो ये हेल्थ अच्छा करता है, लग्जरियस लाइफ की पूरी इन्जॉयमेंट देता है, सुख सुविधा को कोई कमी नहीं रहता, ड्रीम डिज़ायर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, और वो ड्रीम डिज़ायर कंप्लीट भी होगा, क्योंकि फेट लाइन अच्छा आपका सपोर्ट कर रहा है। और जब शुक्र अच्छा हो, गुरु अच्छा हो, तो मैट्रिमोनियल लाइफ भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है। हाँ, इसमें एक कमी यही है कि यहाँ जो आड़ी रेखा है ये थोड़ा लाइफ लाइन को भी टच कर रही है, तो मैरिड लाइफ के स्टार्टिंग 1 and 2 ईयर्स थोड़ा सा एडजस्टमेंट आपको ज़्यादा करना रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ की जो स्ट्रेस लाइन है वो बेसिकली टेंशन और अननेसेसरीज वरीज को इंडिकेट करता है, जो फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर के थोड़ा आपको, या रिलेशनशिप को लेकर के बेसिकली रह सकता है। अदरवाइज़ कोई मुझे यहाँ आपके शुक्र माउंट पे मेजर प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है, बहुत ही स्मूथ लाइफ रहेगी, और बहुत ही जो एक प्रकार से कह सकते हैं रईसी वाला जीवन भी आपको देखने को मिलेगा। और ये जो योगाज हैं, ये जितने भी योग यहाँ पर बन रहे हैं, ये आपको 25+ एज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मान के चलिए आपकी और भी जो ऑफशूट्स निकले हैं या जो सपोर्टिवली ये लाइन आई है, यानी 33 से 34 के एज से इन सारी चीज़ों का सुख और 2 से 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाने वाला रहेगा। वहीं केतुमान पर डिवाइडेड लाइफ लाइन ट्रैवलिंग भी कराती है और लाइफ के स्ट्रेंथ को भी बढ़ाता है, जिसके कारण उम्र भी यहाँ आपका अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर एक आउटकर्व भी यहाँ पर हम निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली 78 अप्रोक्स एज यहाँ इंडिकेट आपका कर रहा है।
इसके अलावा यहाँ देखेंगे तो इसी में से एक शाखा निकल के ऊपर भी जा रही है। बाकी ये देखा जाए तो सेल्फ मेड लक के अंडर में कंसिडर होगा। आप वैसे भी आपके हाथ में सीधी रेखाएँ जो हैं आपकी लाइफ लाइन से निकली है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप अपना भाग्य खुद के द्वारा ही लिखेंगे, यानी आपके एफर्ट्स मेहनत हमेशा आपका जो है अच्छा जो है साथ देंगे, अच्छा शुभ परिणाम लेकर के आने वाले रहेंगे। तो हर जिस चीज़ में आपने एफर्ट से मेहनत अपनी डाल दी सब में आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर एक रेखा यहाँ से निकल के चंद्र की ओर भी जा रही है जिसे विया लाइसाविया कहा जाता है। ये दो चीज़ को बताता है, पहला कि किसी चीज़ का एडिक्शन लत ज़्यादा देखने को मिलता है, दूसरा शौकीन किस्म का नेचर होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा खान पान के शौकीन होना या एक प्रकार से डाइजेशन से रिलेटेड थोड़े इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट होते हैं। अदरवाइज़ यहाँ देखेंगे तो चंद्र की यहाँ की आड़ी रेखा मन थोड़ा जल्दी विचलित करती है, बेचैनी को भी ये व्यक्त करता है, मन थोड़ा जल्दी भटकने वाला भी देखने को मिलता है। ओवरऑल देखें तो चंद्र का क्षेत्र वैसे डेवलप भी है, भाग्य रेखा भी यहाँ से निकली हुई है, तो आप मन की ज़्यादा सुनेंगे और मन का ही एट द एंड फाइनल करेंगे। यहाँ देखें तो आपका मरकरी लाइन भी डेवलप होकर के चल रहा है, आपको बिल्कुल बिजनेस में आना चाहिए, क्योंकि बिजनेस में आने के बाद ही सूर्य की रेखा भी स्ट्रांग हो रही है जो पावर अथॉरिटी को बता रहा है, मतलब आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। अदरवाइज आप जैसे किसी भी सेक्टर में रहते हैं सब में आपको ग्रोथ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलेगा ही, लेकिन इंडिपेंडेंटली वर्क करके सबसे ज़्यादा लाइफ में एक प्रकार से प्रोग्रेस या ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। सेपरेटली बात करें लेफ्ट पाम में आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर देख पाएंगे कि आपका जो फेट लाइन है वो कंपेरेटिवली लाइफ लाइन से ही एक प्रकार से स्टार्ट हो रहा है और फिर उसके बाद मून से कनेक्टेड होकर के ये सीधे के सीधे आगे की ओर बढ़ा है, और सूर्य रेखा यहाँ पर सबसे अच्छी स्ट्रांग चल रही है, तो इस कारण से गवर्नमेंट से कनेक्शन होने के चांसेस बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं और गवर्नमेंट से लाभ भी आपको अच्छा मिलता है। यहाँ पर शुक्र की रेखाएं थोड़ा ज़्यादा लाइफ लाइन को अफेक्ट कर रही है, तो रिलेशनशिप से आपको ट्रबल रह सकता है, तो मैरिज के पहले किसी भी प्रकार के रिलेशन से दिक्कत देखने को मिलेगा और मैरिज के फर्स्ट एंड सेकंड ईयर थोड़ा अगेन आपको संभल के रहना पड़ेगा, मतलब रनिंग जो मैरिड लाइफ होती है उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। चंद्र की भी यहाँ आड़ी रेखा थोड़ा मन में विचलन को ही अगेन व्यक्त करता है। अब जैसे यहाँ पर आपकी देखेंगे तो यहाँ पर सेपरेटली एक लाइन दिख रही है और उसके कंपैरिजन में हल्की हल्की एक दो लाइन और दिख रही है, तो जो स्टार्टिंग के रिलेशन रहेंगे आपके एक या दो तकरीबन, वो इतने ज़्यादा डीप यानी इतने ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं रहने वाले हैं, और जो मेन जो रिलेशन आपका रहेगा वो रहेगा आपका जो फर्स्ट वाला और लास्ट वन, ये जो है सबसे ज़्यादा लाइफ में आपके जो है प्रभावी रहने वाला रहेगा। जो ये बीच की ये रेखा है ये एक प्रकार से अटैचमेंट के बाद फिर डिटैचमेंट को इंडिकेट करता है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।